कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुफिया जानकारी को आधार बनाकर भारत पर कनाडाई नागरिक की हत्या के आरोप लगाए। कथित तौर पर यह खुफिया सूचना उन्हें फाइव आईज के एक सहयोगी ने मुहैया कराई और अब संदेह की उंगली CIA पर है। इसी खुफिया जानकारी पर ट्रूडो ने संसद में कहा कि भारत ने कनाडाई भूमि पर कनाडाई नागरिक की हत्या की और भारतीय एजेंट इसमें शामिल थे। वहीं अब कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के सांसद चंद्रा आर्य ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कनाडा में खालिस्तानियों को बढ़ावा देने के लिए उनकी ही सरदार जिम्मेदार है। इससे पहले भी पन्नून के बयान के बाद उन्होंने कहा था कि खालिस्तानी आतंकी हिंदू कनाडाई को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चंद्रा आर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि PM ट्रूडो के बयान के बाद जो हुआ उसके परिणाम को लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। यहाँ हिंदू कनाडाई लोगों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं, हिंदू कनाडाई भयभीत हैं। उन्होंने ये लोकप्रिय कॉलम का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि कनाडा में जातीय और सांप्रदायिक रक्तपात का खतरा सचमुच में है और ऐसा हो सकता है। चंद्रा आर्य ने आगे ये भी कहा कि देश में बढ़ रहे खालिस्तानी आतंकियों के लिए उनकी ही सरकार जिम्मेदार है और इसका कारण है कि ट्रूडो सरकार ने खालिस्तानियों के खिलाफ अभी तक कनाडा में कोई कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आंदोलन के इतिहास को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि खालिस्तान आंदोलन का इतिहास हिंसा और हत्याओं से भरा हुआ है। खालिस्तानी आंदोलन के इतिहास में खालिस्तानी आतंकवादियों ने हजारों हिंदू और सिखों की हत्या की। कनाडाई लोग भूल गए हैं कि 38 साल पहले एयर इंडिया बम विस्फोट में इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक हत्या हुई थी। 9/11 से पहले वो सबसे बड़ा विमानन आतंकवाद था और ये काम कनाडा के एक खालिस्तानी आतंकवादी ने किया था। सच तो ये है कि कनाडा में कुछ जगहों पर आज भी उन आतंकियों की पूजा की जाती है। वहीं इससे पहले चंद्रा आर्य ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कुछ दिन पहले कनाडा में खालिस्तान आंदोलन के नेता और सिख फॉर जस्टिस के अध्यक्ष गुरुपतवंत सिंह पन्नून ने हिंदू कनाडाई लोगों पर हमला किया और कनाडा छोड़कर भारत वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैंने कई हिंदू कनाडाई लोगों को सुना है कि वो इस टारगेटेड हमले से भयभीत हैं। मैं हिंदू कनाडाई लोगों से शांत लेकिन सतर्क रहने का आग्रह करता हूँ कि कृपया हिंदू फोबिया की किसी भी घटना की सूचना अपनी स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दें। खालिस्तान आंदोलन के नेता कनाडा में हिंदू कनाडाई लोगों को प्रतिक्रिया देने और हिंदू और सिख समुदायों को विभाजित करने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गंभीर आरोप लगाए हैं अपनी ही सरकार पर चंद्रा ने। अब अगर आंकड़ों पर हम नज़र डालें तो पता चलता है कि कनाडा की तरक्की में भारतीयों की कई तरह से महत्वपूर्ण योगदान है। कनाडा में सिख समुदाय की आबादी करीब 8 लाख है और इनमें से ज़्यादातर भारतीय मूल के हैं। कनाडा में कुल 8 लाख स्टूडेंट्स बाहर से जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और इनमें से 40% यानी लगभग 3,20,000 तो भारतीय हैं। पिछले ही साल दोनों देशों के बीच असीमित विमानों के आवाजाही का समझौता हुआ। पहले सिर्फ 35 फ्लाइट हर हफ्ते उपलब्ध थी। साल 2021 में कोविड का प्रभाव पूरी तरह से जब खत्म हुआ तो फिर भी 85,500 भारतीयों ने कनाडा की यात्रा की थी और कनाडा ने साल 2022 में भारत के साथ 7 अरब डॉलर से ज़्यादा का आयात किया। इसमें सामान भी हैं और सेवाएं भी हैं यानी गुड्स एंड सर्विस दोनों में ही। भारत कनाडा का 12वां सबसे बड़ा साझेदार है और इसके अलावा भारत तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अब किसी देश के लिए भारत की उपेक्षा आसान नहीं है। ऐसे में कनाडा का आम नागरिक नहीं चाहेगा कि उसके रिश्ते भारत से ख़राब हों। बावजूद इसके अगर PM खराब करेंगे तो वो अपनी बारी आने पर विवेक से फैसला करेगा। अमर उजाला अब आपके TV पर भी, अपने स्मार्ट TV पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।